है श्रद्धालु यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं दूध का चढ़ावा जो है बाबा को किस प्रकार से जो है, और पूरे कैंपस में जो है इस मंदिर कैंपस में आपको यहाँ पर ये दूध का धारा जो है पूरा काफी भव्य और विशाल मंदिर जो है यहाँ पर ये बनाया गया है और एक कुश्ती का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं काफी सारे लोग जो है यहाँ पर इस फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज राय ब्लॉग में। और अभी हम लोग मौजूद है बिहार के सबसे बड़े किसान मेला विश्व राउत मेला में, और ये मधेपुरा जिले का जो है सबसे फेमस और सबसे बड़ा मेला है। और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ का दृश्य किस प्रकार से जो है ये विश्व राउत राजकीय मेला जो है 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के अंदर आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर कैसा दृश्य है और पूरा पूरा मेला का जो है भ्रमण करवाएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। इधर देख सकते हैं यहाँ पर जो हजारों की संख्या में ये सारे लोग आए हुए हैं और काफी दूर दूर से जो है इस मेला में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस लोगों को यहाँ पर दूध का जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं। बिहार के कोने कोने से जो है यहाँ पर सारे श्रद्धालुओं का आना होता है और यहाँ पर विश्व मंदिर के सामने का ये यहाँ पर काफी जो है भीड़ लगा हुआ है और सारे श्रद्धालुओं को देख सकते हैं अपना पूजा पाठ करते हुए। अभी हम लोग चलेंगे मंदिर के अंदर और बाबा का जो है दर्शन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा को जो दूध चढ़ाया गया है काफी सारा दूध यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर है श्रद्धालुओं को देख सकते हैं दूध का जो है चढ़ावा भारी मात्रा में जो है बाबा को किया जाता है। ये दूध का जो है धारा देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर बाबा को जो है दूध चढ़ाया जाता है। अंदर का जो दृश्य है वो हम आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर जो दृश्य है वो देख सकते हैं, जो बाबा को यहाँ पर लोग दूध चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दूध का चढ़ावा जो है बाबा को किस प्रकार से जो है भारी मात्रा में लोग जो है चढ़ाते हैं। ये बाबा का देख सकते हैं, तो यहाँ पर बाबा को देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सारे श्रद्धालु जो है दूध चढ़ा रहे हैं। काफी भीड़ जो है इस मंदिर में लगा हुआ है। कैंपस में जो देख सकते हैं यहाँ पर दूध का जो है किस प्रकार से जो है बह गया है। मंदिर प्रांगण देख सकते हैं जो कि दूध यहाँ पर चढ़ाया गया है। ये दूध से जो है पूरा मंदिर का कैंपस जो है ये नहाया हुआ है। किस प्रकार से जो है श्रद्धालु यहाँ पर देख सकते हैं आ रहे हैं। 14 और 15 तारीख को जो है यहाँ पर काफी सारे श्रद्धालुओं का भीड़ जो है देख सकते हैं। मंदिर कैंपस के बाहर का जो दृश्य है वो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चारों तरफ जो है हजारों की संख्या में ये लोग जो है काफी दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। बिहार के कोने कोने से जो है सारे श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना होता है। हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और आपको यहाँ पर जो मेले का आयोजन होता है दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक और नवनिर्मित मंदिर का जो यहाँ पर दृश्य है वो इस प्रकार से है। काफी भव्य और विशाल मंदिर जो है यहाँ पर ये बनाया गया है वो दृश्य है। इन सारे छोटे छोटे मंदिरों को देख सकते हैं जिसको कि यहाँ पर इस सारे मंदिरों को इस नए मंदिर में जो है यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। काफी भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण जो है यहाँ पर इस नए मंदिर का जो है किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी मंदिर हो सबके सामने में जो है ये दूध का धारा देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर बहता हुआ जो है मिल जाएगा। और पूरे कैंपस में जो है इस मंदिर कैंपस में आपको यहाँ पर ये दूध का धारा जो है पूरा बहा हुआ मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है रेत की तरह जो है यहाँ पर ये सारा दूध जो है बह रहा है। मंदिर के बाहर जो मेले का दृश्य है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारा जो है मंदिर के बाहर कैंपस में जो है ये सब सारा दुकान लगा हुआ है। पर देख सकते हैं ये किसानों का जो मेला है यहाँ पर काफी सारे दुकान जो है लगे हुए हैं और इन दुकानों पर जो है ज्यादातर पशुओं का सारा सामान मिलता है। लोग आ चुके हैं मंदिर के सामने जो एक काफी बड़ा सा कैंपस है। कैंपस में जो है काफी विशाल संख्या में जो है सारे दुकान लगते हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सारे श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहाँ पर अपने जरूरत के हिसाब से जो है यहाँ पर खरीदारी करते हुए आप देख सकते हैं। कैंपस में जो यहाँ पर दुकान लगा हुआ है उसका दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं।
खाने पीने का काफी सारा जो है दुकान लगा हुआ है, पूरा चारों तरफ जो है खाने पीने का जो है व्यवस्था है। इस देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ झूले का जो है बनाया गया है और यहाँ पर जो है चारों तरफ देख सकते हैं जो बच्चों के बड़ों के लिए जो है झूले का आयोजन किया गया है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल्फी है लगता है काफी सारा दुकान जो है यहाँ पर सजावट का और यहाँ पर बच्चों के खेलने का जो है यहाँ पर लगा हुआ है। बच्चों के खेलने वाला 60 रुपया में करेंट वाला पेन मिलेगा। पर ये जागरूकता जो है लगता है बच्चों के झूले का जो है इंतजाम किया गया है। इधर मिकी माउस पे देख सकते हैं बच्चे लोग जो है काफी मस्ती करते हुए जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इन सारे किसानों को देख सकते हैं जो इस छाँव में आकर के जो है अपना विश्राम कर रहे हैं। इधर भी देख सकते हैं बच्चे लोग जो है इस झूले पे जो है किस प्रकार से जो है झूल रहे हैं। घोड़े वाला जो है झूला लगा हुआ है। इधर ये जंप करते हुए जो है बच्चे को देख सकते हैं। काफी पंडाल बना हुआ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है और काफी सारे लोगों को देख सकते हैं जो यहाँ पर मेला देखने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पर जो है आनंद उठा रहे हैं। मंदिर के अंदर जो दूध का चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो यहाँ पर देख सकते हैं। मंदिर के पीछे में जो है इस कुंड में आकर के गिरता है और ये सारे श्रद्धालु जो है प्रसाद के रूप में जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस दूध को ग्रहण कर रहे हैं। और मंदिर के पीछे में देख सकते हैं यहाँ पर जो कुश्ती का आयोजन किया गया है, यहाँ पर कुश्ती देखने के लिए यहाँ पर ये सारे लोग जो है पहुँचे हुए हैं काफ़ी संख्या में जो है देख सकते हैं लोगों को। और एक कुश्ती का आयोजन किया गया है, देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर इस कुश्ती के आयोजन को देखने के लिए जो है खड़े हैं। ये कुश्ती के आयोजन के लिए जो सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है और ये सारे लोग जो है इस कुश्ती को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम लोग देख रहे थे मधेपुरा जिले का सबसे बड़ा मेला जो कि बिहार में सबसे बड़े किसान मेले के रूप में जो है यहाँ पर जाना जाता है, बिसू राउत का मेला। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।